थार भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो इसके गुजरात से लेकर राजस्थान तक लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा का भी काम करता है। इसका 85% हिस्सा भारत में जबकि 15% हिस्सा पाकिस्तान में आता है। वैसे तो भारत में वन्य जीवों में इतनी विविधता है जितनी शायद ही दुनिया के किसी और देश में हो, मगर इस थार के रेगिस्तान में कुछ ऐसे जीव हैं जो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मिलना मुश्किल है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस बेहद गर्म और बंजर रेगिस्तान में भी अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं। तो आइए बिना देरी किए आज के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। इंडियन स्पाइनी टेल लिजार्ड, यह है थार में पाई जाने वाली 40 सेंटीमीटर आकार की छिपकली की प्रजाति, जिसके पूंछ में काटो जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इसका हल्का भूरा रंग इसको रेत में आसानी से छिपाने में मदद करता है। इसकी खास बात यह है कि यह भारत की एकमात्र ऐसी छिपकली है जो कि शाकाहारी है। आप इसको घरेलू बिल्ली समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यह है इंडियन डेजर्ट कैट। इसका आकार और रंग भरे ही हमारी घरेलू बिल्लियों के जैसा हो, मगर इसका स्वभाव बिल्कुल जंगली है। 2 से 6 किलो तक वजन वाली ये बिल्ली अकेले में ही रहना पसंद करती है और रात में ज्यादा सक्रिय रहती है। रेगिस्तान की रेतीली जमीन पर भी ये बिल्ली 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। ये खूबसूरत और हिरन जैसा दिखने वाला जीव है चिंकारा। बेहद फुर्तीला और चौकन्ना रहने वाला ये जीव अपनी छलांग के लिए मशहूर है। चिंकारा एक बार में 6 से 7 मीटर ऊंची छलांग लगा सकता है। ये जीव रात और दिन निकलने से पहले ज्यादा सक्रिय रहते हैं और इसी समय अपना अधिकतर खाना खा लेते हैं, जबकि दिन के समय आराम करते हैं। इनके बारे में एक खास बात ये भी है कि बिना पानी पिए कई दिन तक जिंदा रह सकते हैं। एक चिंकारा का औसत वजन 25 किलो और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर तक होती है। यह है व्हाइट फुटेड फॉक्स। थार के सूखे बेहद गर्म दिन और बेहद ठंडी रातों में कोई जीव अच्छे से सर्वाइव कर पाया है तो फिर वो यही व्हाइट फुटेड फॉक्स है। ये लोमड़ी हमारे घरों में पाई जाने वाली बिल्लियों के जितनी ही होती है। इसका आकार और रंग इसको रेगिस्तान में कुछ इस तरह से छिपा लेता है कि कोई भी शिकार इसको देख नहीं पाता है और ये आसानी से उनका शिकार कर लेती है। यही कारण है कि ये रेगिस्तान में इतने आसानी से सर्वाइव कर पाई है। यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इस पक्षी के बारे में खास बात यह है कि यह भारत का सबसे भारी पक्षी है जो कि उड़ने में सक्षम है। इसके सर में पाई जाने वाली काले रंग की पट्टी जो कि एक मुकुट के समान लगती है इसको बेहद आकर्षक बनाती है। भारत में आज इनकी संख्या महज 100 से 150 के आसपास रह गई है और वो भी केवल राजस्थान में ही सीमित होकर रह गए हैं। यही कारण है कि इसको IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। आगे भी ऐसे ही वाइल्ड फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।